चुरू लिए चलते हैं। गजेंद्र सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। गजेंद्र, वहां का हाल बताइए, मौसम का क्या कह रहा है मौसम विभाग, और वाहन चालक कितने परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल मणि, मैं आपको बता दूं कि चूरू जिला वो पूरी तरीके से कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है। चूरू जिला वैसे भी अपनी सर्दी और गर्मी दोनों के लिए ही जाना जाता है, और सुबह से ही कोहरों के चलते कहीं ना कहीं वाहन चालकों की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे कोहरा सटता चला जाता है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिनों के बाद सर्दी है वो और बढ़ेगी, और 15 दिसंबर तक आते आते जो तापमान है चूरू जिले का वो -0 तक चला जाएगा। तो ऐसे में चूरू जिला वैसे भी सुर्खियों में बना रहता है। जब सर्दी बढ़ती है तो चूरू जिला का तापमान है वो हार्ड कपा देने वाली सर्दी चूरू जिले के अंदर पड़ती है, और तापमान वो 0 डिग्री तक चला जाता है। वही गर्मी आती है तो यहाँ का तापमान 50 डिग्री के आसपास चला जाता है। तो ऐसे में चूरू जिला है वो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन अभी शुरुआती दिन है जैसा की, तो सर्दी ने दस्तक दे दी है। हालांकि जो अस्पतालों की बात करें तो वहां पर भी अब लगातार खांसी जुकाम मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि सहयोगी बता रहे थे, रवि और करौली से सहयोगी बता रहे थे कि जो बारिश हुई उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत है। तो चूरू जिले की बात करें तो यहाँ पर भी रविवार को और सोमवार को जिले के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसान है उनको राहत मिली है, क्योंकि मावठ की वर्षा है वो अमृत के समान किसानों के लिए होती है। तो ऐसे में किसान को राहत मिली है। रबी की फसलों में जो मूंग मूंग जो सरसों की फसल है, जो गेहूं की बिल्कुल फसल, उसके लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित हो रही। तो कहीं ना कहीं सर्दी से लोग अभी तो इंजॉय करें, लेकिन जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेंगे, जैसे जैसे दिसंबर का महीना आगे बढ़ेगा, तो सर्दी वो कहीं ना कहीं परेशानी भी डालेगी। जी मणि, राजस्थान के शहरों में क्या है मौसम का हाल बता रहे हैं टोंक से सहयोगी रवीश टेलर, कोमल यादव सिरोही से मौजूद रहे, चूरू से जुड़े मेरे साथ गजेंद्र। आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए